Hi, I'm Shridevi. You're watching. तुम ये नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया है, शायद ही कभी किसी ने किसी से किया हो। नीलू की शादी में रोहित को पहली ही नजर में चांदनी से प्यार हो गया। अब इंतजार था चांदनी की हाँ या ना का। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना। हाँ या ना? रोहित प्लीज रोहित। हाँ या ना? हाँ, हाँ, हाँ। महबूब चांदनी के हाँ करते ही शुरू हुए लम्हे प्यार के। मुश्किल तब हुई जब इन लम्हों ने जुदाई का रूप ले लिया। फिर कब आओगे? जब तुम बुलाओगे। अच्छा मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा, अपना पता तो दो। पर नहीं, माँ को पता चल गया तो? अरे तुम्हारी कोई सहेली तो होगी, उसके पते पर लिख सकता हूँ मैं। किरण माथुर 23 शाहजहानपुर। फिर शुरू हुआ सिलसिला खतों का। दोनों तरफ दीवानगी बढ़ गई तो बात सगाई तक जा पहुँची। दोनों प्रेमी लव रोमांस हनीमून की सतरंगी सपनों की दुनिया में खो गए। प्यार इतना कि फोन पर बातों से जी ना भरता था। लेकिन कहाँ? तुम्हारे घर के टेरेस पर। प्यार की राहें आसान न थी, नई मुश्किलें आ गई प्यार का इम्तिहान लेने। क्या हो गया डॉक्टर साहब? दरअसल आपकी राइट साइड पैरालाइज हो गई। तेरे जख्मों पे अपनी जुबानें रख दूंगा मेरी जान। रोहित के घर वालों की नफरत ने चांदनी को रोहित के साथ साथ शहर छोड़ने को मजबूर कर दिया। ए लड़की, तू क्या करने पर तुली है? जान लेगी इसकी। कल तक सिर्फ मेरे घर वाले और दुनिया वाले कहते थे, लेकिन आज मैं भी कहता हूँ कि तुमने मुझे अपाहिज बनाया। तुम नफरत के सारे जियो, मैं अपनी मोहब्बत के सारे जी लूंगी। ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से। मुंबई में जॉब के साथ साथ बॉस के रूप में ललित जैसा दोस्त चांदनी को मिला। ललित और चांदनी दोनों ही प्रेम में चोट खाए घायल प्रेमी थे। और देखते देखते वो हमेशा के लिए अपना हाथ मुझसे छुड़ा कर चली गई। ललित की माँ चांदनी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। उधर चांदनी की यादों में खोया रोहित अब ठीक होकर चांदनी से शादी करना चाहता था। स्विट्जरलैंड में रोहित और ललित की दोस्ती हो जाती है। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुना। चांदनी, आई लव यू। ललित से आई लव यू सुन चांदनी रोहित के घर फोन करती है। रोहित की माँ डांट कर फोन काट देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? मैं रोहित से बात करना चाहती हूँ, प्लीज। खबरदार जो उसका नाम ज़बान पे भी लाई। रोहित से निराश चांदनी को जब ललित मैरिज के लिए प्रपोज करता है तो वह मान जाती है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस। तो नहीं जी, नहीं। तो तुम राजी हो? दीवाना रोहित चांदनी से मिलने मुंबई आता है। चांदनी अपनी शादी की बात बताती है। चक्कर खा गई ना? मैंने हमारी शादी की सब तैयारियां कर ली हैं, और इससे पहले कि हमारी शादी में कोई रुकावट आ जाए, बैंड बाजा बजा देते हैं। बोलो हाँ के ना? कोई और मेरी जिंदगी में आ गया है, मैं उससे शादी कर रही हूँ। मैंने तुम्हें एक बार फिर खो दिया है, इस बार हमेशा के लिए। तुम खुश रहो, चलता हूँ। ललित और चांदनी की शादी होने ही वाली होती है कि रोहित रोहित और चांदनी का सच्चा प्यार जीत जाता है और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं।